देखिए इंटेल है कि प्लेयर्स कहां पे मौजूद है और ग्रेनेड भी किया जा रहा था लेब्रॉन के द्वारा, लेकिन वो ग्रेनेड जो है टॉस आउट नहीं किया। ज़ीगॉट ने हल्का सा डैमेज दिया है। जोनाथन आयरनथिक अभी तक अपना इनपुट दिए थी, दे देते हैं वो गुजरात के साथ, यहां पर डैमेज करने की कोशिश जरूर थी। चलती गाड़ी से जोनाथन ने ह्यूमनॉइड को किया है नॉकआउट, फिनिश कर देंगे जरूर, बिकॉज हाँ बचाए क्यों रखेंगे, इंटेल क्यों देना चाहेंगे वो, जो कि ह्यूमनॉइड उस पोजिशन से रिले कर सकते हैं अपने साथियों को ग्रेनेड के लिए। नीचे उतर आते हैं जोनाथन डीबीएस लेके उनके लिए। देखिए डीबीएस ने कल बहुत बहुत फायदा दिलाया था उठाना ये वेपन, बट एक और ग्रेनेड को किया जा रहा है, स्लैमिन आएगा वापस, बट क्या यहां दो में से जो दोनों टीम से वो सर्वाइव कर पाएंगी और विल दिस फाइट हैपन? मुझे लग रहा है रेकनिंग की टीम, जी हाँ, वो फाइट लेना चाहते हैं। एस्ट्रल के शॉट्स पड़े हैं, शैडो कवर में आ जाते हैं जरूर, क्लोज रेंज में बहुत फायदा मिल सकता है गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स, उनको थोड़ा काम होकर खेलना पड़ेगा, लेकिन पीछे से अगर नेज एंड मॉलीज आते हैं तब जो है चैलेंज बढ़ जाएगा जरूर। बाहर की तरफ भी नेज डाल रहे गॉडलाइक स्क्वाड, यू नो रेकनिंग ने बहुत अच्छा काम किया डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने मुश्किलात में आ चुके थे। यहाँ पे चारों तरफ देखिए स्मोक्स बिछा दिया है गॉडलाइक ने, बट लेब्रॉन का ये जो कनेक्शन ऑन ज़ीगॉट, दिस ओपन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अप, क्योंकि अब सिर्फ जोनाथन और शैडो ही बचे। पियर्ड बाबा ने इंस्टेंट फिनिश कर लिया, अब इनको पुश करना पड़ेगा। इसी एक सिमिलर कंपाउंड में हमने देखा था कि कल सोमराज ने क्लच किया था, अगर सीढ़ियों का रास्ता नापते हैं तो शायद इनके भी जो हाल है उसी प्रकार हो सकते हैं। बट रेकनिंग अपनी ग्रेनेड्स की जो लड़ियां वो बिछाते जा रही है, बट गॉड लाइक के प्लेस जोनाथन और शैडो संयम के साथ खेलना पड़ेगा। जोनाथन के ऊपर चढ़ के आए थे लेब्रॉन, आरती उतार दी गई है, ट्रेड ऑफ भी आ चुके हैं युवा की तरफ से। नाउ इट कम्स डाउन टू वन वी वन, शैडो लेट्स सी व्हाट कैन ही डू, एट द सेम टाइम रेकनिंग इज फाइटिंग विद लाइफ एंड डेथ। क्या हाल हो सकता है इस फाइट के अंदर, स्प्रे जा रहे यूएमपी पे शिफ्ट कर चुके हैं, बट देयर यू गो, इट गेट्स क्लच्ड आउट, बियर्ड बाबा बीइंग द एमवीपी ऑफ दिस फाइट एंड गॉड।